तो आ गए आप लोग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर स्पीसीज़, तो इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम आज स्पीसीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले कि हम स्पीसीज़ के बारे में अध्ययन करें, हम आपसे एक बार फिर से जो हमने पिछले वीडियो पढ़ाए थे उनका हम एक बार समरी करना चाहेंगे। पिछली वीडियो में हमने टैक्सा और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में बताया था और टैक्सा क्या होती है, और बताया था कि जो एक रैंक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। जैसे स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, ये सब क्या होते हैं, ये सब टैक्सा होते हैं। फिर हमने आपसे इसकी वीडियो में टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बताया था हमने, कैरोलस लीनियस हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन किस आधार पर करेंगे, और जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उस पर हमने किस प्रकार से कौन कौन से नियम थे हमने बताया था। ओरिजिन क्या होती है, किसी भी साइंटिफिक नेम की लैटिन इंग्लिश होती है, लेकिन क्या करेंगे उसको अगर हम लैटिन नहीं होगी तो वो लैटिन से डिराइव्ड होगी, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज से होगी। अगर ऐसा भी नहीं होगा तो क्या करेंगे हम उसको हैंड राइटिंग में उसको थोड़ा सा तिरछा लिख देंगे। अगर प्रिंटेड में होगा तो कैसे इटालियन में प्रिंटेड कर दी जाएगी, यानी कि रिटन इन इटालिक्स, लेकिन ओरिजिन क्या होगी, लैटिन ओरिजिन होगी। स्पीसीज़ नेम बताया था, स्पीसीज़ नेम हमेशा कैसा लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, और जीनियस नेम होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, एक तो जीनियस नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ICBN और ICZN के बारे में बोला था। तो देखिए, किसी भी एनिमल और किसी भी प्लांट को सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि उसको पहले करेक्टराइज करेंगे क्या करेक्टर उसके, फिर उसको आइडेंटिफाइड करेंगे, फिर उसको नोमेनक्लेचर, तब उसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे। तो फिर बायोडायवर्सिटी बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1.7 to 1.8 मिलियन बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो इन सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, और अब हम बताते हैं किसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं, यहाँ स्पीसीज़ के बारे में। देखिए, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज स्पीसीज़। तो देखिए, कोई एक स्पीसीज़ है, पर्टिकुलर स्पीसीज़ ये है, दूसरी पर्टिकुलर स्पीसीज़ भी है, तो क्या होता है, दोनों में सिमिलरिटी पाई जाती हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटी पाई जाती हैं। तो यानी कि एक स्पीसीज़ होगी और उसी की कैटेगरी की दूसरी स्पीसीज़ होगी, तो दोनों में क्या होगा, सिमिलरिटी पाई जाएंगी। यानी कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ एज ए स्पीसीज़। जो स्पीसीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज़ बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल करेक्टर। कोई भी एक स्पीसीज़ है और कोई भी उसी स्पीसीज़ की कैटेगरी की दूसरी स्पीसीज़ है, तो उसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, एक मॉर्फोलॉजिकल वो क्या होती हैं, देखने में बाहर से क्या होती हैं, एक जैसी लगती हैं। जैसे कि हम मानते हैं मैंगीफेरा इंडिका, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका आम है, सोलेनम ट्यूबरेशम, अगर हम पोटैटो की बात करें तो आलू, और पोन्थेरा लियो। ऑल थ्री नेम्स, जैसे कि इंडिका ट्यूबरेशम, इंडिका ट्यूबरेशम और लियो, ये क्या होती हैं, ये स्पीसीज़ को डिनोट करेंगी, स्पेसिफिक इस एपिथेट को डिनोट करेंगी। तो क्या हो जाता है, ट्यूबरेशम और लियो और इंडिका, ये क्या हो जाएंगी, स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं ईच जीनियस
मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। तो क्या होता है, कोई भी जीनस है, मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, किसी भी जीनस में एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होता है, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को बताएंगे, जैसे कि पैंथेरा टाइग्रस, पैंथेरा लियो, एक जीनस कौन सा है पैंथेरा, उसमें तीन स्पीसीज कौन कौन सी अलग अलग हो जाएंगी। देखिए, एक तो पैंथेरा टाइग्रस हो गया, पैंथेरा लियो होगा और पैंथेरा पार्डस होगा। पार्डस, लियो, टाइग्रस, ये क्या चीज़ होंगी, अलग अलग एक जीनस की अलग अलग स्पीसीज होंगी। तो जब स्पीसीज अलग अलग हो जाएंगी तो जो ऑर्गेनिजम्स है ये भी अलग अलग हो जाएगा। तो डिफरेंट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, लेकिन बाहर से क्या होता है, बाहर से देखने में एक जैसे लगेंगे, जैसे आप शेर को देखें, चीते को देखें, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टाइग्रस और सोलेनम इंक्लूड लाइक नाइग्रम और मेलनजेना, ठीक है। तो नाइग्रम और मेलनजेना बाहर से देखेंगे पत्तियां एक जैसे लगेंगी। तो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप ऑफ द जीनस होमो, जैसे कि होमो सेपियंस है, होमो नियंडरथैलेसिस है, होमो हैबिलस है। तो नियंडरथैलेसिस, हैबिलस और सेपियंस, ये क्या क्या हैं, ये अलग अलग स्पीसीज हैं। तो तीन कैटेगरी हो जाती, तीन हैं तो तीन अलग अलग कैटेगरी हो जाएंगी, लेकिन होता क्या, ये मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। द साइंटिफिक नेम दस द ह्यूमन बींग्स रिटेन एज होमो सेपियंस, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस हो जाएगा। तो अगर बात समझ में आई है आपको, तो फिर वही बात कहेंगे आपसे कि अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और गुरु दक्षिणा के रूप में आपको ये बताना होगा कि कैसा लग रहा है। चैनल अच्छा लग रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो आप ज़रूर ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि हमारा भी लाभ हो सके। अब देखते हैं जीनस के बारे में बताते हैं। देखिए, हमारे लाभ के साथ साथ और बच्चों का भी लाभ होगा, जो बच्चे इस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो होता क्या है, वो आपके माध्यम से पहुंच जाएंगे, तो उनको भी लाभ हो जाएगा। स्पीसीज़ के बारे में हमने आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं जीनस के बारे में। जीनस कंप्रेसिस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। तो क्या होता है, जैसे स्पीसीज में तीनों में क्या होते हैं, कुछ कॉमन करेक्टर्स होते हैं, वैसे जीनस में क्या होते हैं, इसमें भी रिलेटेड कॉमन करेक्टर होते हैं, मोर करेक्टर इन कॉमन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो जेनेरा क्या होता है, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनका क्या होता है, एग्रीगेशन होता है। जैसे कि पोटैटो मींस आलू, और ब्रिंजल बैगन आर टू डिफरेंट स्पीसीज। तो आलू और ब्रिंजल क्या हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। दोनों को एक ही जीनस में रखा गया, सोलेनम किसको, पोटैटो को प्लस ब्रिंजल को। आलू और बैगन क्या हैं, एक ही सोलेनम जीनस के ये क्या हैं, स्पीसीज हैं। अब पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पार्डस को क्या बोलते हैं, लेपर्ड्स, और टाइगर विथ सेवरल कॉमन फीचर्स, इसमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते हैं, आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। तो ये क्या होते हैं, इनमें तीनों में कॉमन बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते हैं, तो ये किस जीनस के हैं, ये पैंथेरा जीनस के। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। देखिए, तो जो पैंथेरा क्या है, ये एक जीनस है। अगर हम दूसरे जीनस की बात करें, जो फेलिस जीनस है, तो ये क्या होंगे, उससे ये डिफरेंट होंगे। यानी कि देखिए, पहली लाइन देखिए, जो जीनस
जीनस कंप्रेजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज टू अदर जनेरा। अगर हम एक जनेरा की बात करें और दूसरे जनेरा की बात करें तो होता क्या, एक जनेरा के करेक्टर, जैसे कि एक जनेरा यहाँ पे है फैलिस और एक जनेरा पैंथेरा, तो पैंथेरा के करेक्टर सीधी सी बात है कि फैलिस से अलग होंगे। समझ में आएगा तो बताइए कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अब हम बात करते हैं, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, हम बात करते हैं फैमिली के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी क्या आती है, फैमिली। फैमिली क्या है, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी आर कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। देखिए जो कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, तो देखिए एक जीनस का होगा तो उसके जो स्पीसीज होगी उसमें सिमिलैरिटी पाई जाएगी। अब फैमिली के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जीनस, तो इसमें क्या होगा, बहुत ही कम ऐसे करेक्टर होंगे जो एक फैमिली से दूसरी फैमिली से रिलेटेड सिमिलर हों। ठीक है, तो रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज के कंपेयर में इसमें सिमिलैरिटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। फैमिली में सिमिलैरिटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी जीनस और स्पीसीज के रिलेटेड में। फैमिलीज आर करेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, तो फैमिली में क्या होता है, फैमिली की बात, तो क्या हो जाएगा, फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो फैमिली को किस बेस पर करेक्टराइज करेंगे, वेजिटेटिव करेक्टर क्या है और उसका रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या है। अमंग प्लांट फॉर एग्जांपल, जैसे कि डिफरेंट जेनेरा सोलेनम पिट्यूनिया एंड दतूरा आर प्लेस इन फैमिली सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में कौन कौन से जेनेरा आते हैं, सोलेनम पिट्यूनिया और दतूरा। तो ये क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सा वेजिटेटिव करेक्टर है और कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव फीचर्स है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि एनिमल्स की बात करेंगे तो पैंथेरा कंप्रेजेस लायन टाइगर लेपर्ड इज पुट विथ जीनस फैलिस कैट एंड फैमिली फैलिडी। देखिए तो ये पैंथेरा क्या है, पैंथेरा एक जीनस है, तो किस फैमिली में इनको रखा गया है, फैलिस। फैलिस क्या है, ये भी एक जीनस है, और पैंथेरा क्या है, ये भी एक जीनस है। तो फैलिस में कौन कौन से आ जाएंगे, कैट आ जाएगा और डॉग आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, कैट भी आ जाएगा और डॉग भी आ जाएगा। तो कैट की फैमिली कौन सी होती, तो कैट, कैट का कौन सा जीनस होता है, ठीक है ना, तो कैट का जीनस और डॉग का जीनस दोनों का एक ही है, ठीक है ना। और इनकी फैमिली कौन सी है, फैलिडी है। तो पैंथेरा की फैमिली और फैलिस की फैमिली सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिमिलरिटी बात करें, यानी कि जो लॉयन की फैमिली होती है वही कैट की भी फैमिली है, और जो कैट की फैमिली है वही डॉग की फैमिली है। तो सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट और डॉग, अगर आप कैट और डॉग के फीचर देखेंगे, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंस एज वेल एज। अगर इन दोनों के फीचर्स की बात करें तो आप क्या पाते हैं, कुछ तो सिमिलरिटी भी पाई जाती हैं और कुछ डिसिमिलरिटी भी पाई जाती हैं। दे आर सेपरेटेड इंटू टू डिफरेंट फैमिली, कौन कौन सी, फैलिडी एंड कैनेडी। ठीक है, तो फैलिडी किसकी फैमिली हो जाती है, फैमिली फैलिडी किसकी हो जाएगी और कैनेडी किसकी हो जाएगी, तो कैनेडी हो जाएगी डॉग की फैमिली और फैलिडी हो जाएगी कैट की फैमिली। ठीक है, लेकिन
ठीक है ना। लेकिन इनका जो जीनस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जो कैट का जीनस है वही डॉग का भी जीनस है, लेकिन इनकी फैमिली की बात करें तो फैमिली अलग अलग हो जाती है। जैसे जैसे इनके करेक्टर्स कम ऊपर चलते जाएंगे हायरार्की में, तो करेक्टर क्या हो जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। अब किसी बेस पर कैट और डॉग को एक ही जीनस में रखा गया है, लेकिन कुछ फीचर्स दोनों में अलग होते हैं कैट और डॉग में, तो उनको क्या कर देते हैं, अलग अलग फैमिली में रख देते हैं। तो जो कैट की फैमिली होती है वो क्या होती है, फेलिडी होती है, और जो डॉग की फैमिली होती है वो क्या होती है, कैनेडी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। अभी तक हमने आपसे चर्चा की थी जीनस के बारे में, फिर स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज के बाद हमने जीनस के बारे में, अब हम बात करते हैं ऑर्डर के बारे में कि ऑर्डर क्या होता है। देखिए ऑर्डर, तो स्पीसीज के बारे में जाना हमने, जीनस के बारे में जाना और फैमिली के बारे में जाना। अब जानते हैं ऑर्डर क्या होता है। स्पीसीज, फैमिली, स्पीसीज, जीनस और फैमिली। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर स्पीसीज, जीनस, फैमिली। अब बात करते हैं ऑर्डर की, ठीक है। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स। आपने देखा कि किस प्रकार से स्पीसीज, जीनस और फैमिली आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से स्पीसीज में जो सिमिलर करेक्टर हैं वो आगे कुछ करेक्टर जीनस में भी पाए जाते हैं, फिर इसके बाद फैमिली में भी कुछ करेक्टरिस्टिक सेम हैं। अब ऑर्डर में, उन ऑर्डर्स में भी कुछ करेक्टर तो सेम होंगे, तभी उनको सेम ऑर्डर में रखा गया है। जनरली क्या देखा जाता है, ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर, जो ऑर्डर हैं और आगे जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ करेक्टर्स। उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके एग्रीगेट ऑफ करेक्टर, यानी कि उनके जुड़ते हुए जो करेक्टर्स हैं उनके आधार पर हम उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, ऑर्डर क्या होता है, एक हायर कैटेगरी होता है। इन द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज विच एक्सिबिट ए फ्यू सिमिलर करेक्टर्स। ऑर्डर बीइंग से हायर कैटेगरी, ऑर्डर क्या है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली से हायर कैटेगरी है। एज असेंबलीज ऑफ फैमिलीज, और फैमिली का असेंबलिंग है, विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर करेक्टर, तो उसमें क्या होते हैं, उतने सिमिलर करेक्टर नहीं पाए जाएंगे जितने फैमिली में पाए जाते हैं। ऑर्डर में कुछ करेक्टर कम सिमिलर रह जाएंगे। द सिमिलर करेक्टर्स और लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडिंग इन फैमिली। तो जिस प्रकार से फैमिली में और जेनेरा में सिमिलर करेक्टर पाए जाते हैं, उसी प्रकार से ऑर्डर में कुछ कम सिमिलर करेक्टर पाए जाएंगे। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्वुलेशी, शोलेनेशी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो पॉलीमोनियल्स क्या एक ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स क्या एक ऑर्डर है, मैनली बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर, फ्लोरल करेक्टर के आधार पर है। तो कन्वोल्वुलेशी फैमिली है, सोलेनेशी फैमिली है, इनका ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स, फ्लोरल करेक्टर के आधार पर बेस्ड है। द एनिमल ऑर्डर जैसे कि कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली फिलेडी एंड कैनेडी। तो कार्निवोरा में क्या आ जाएंगे, फेलेडी और कैनेडी। तो अभी हमने बताया था कि डॉग की फैमिली क्या होती है, और डॉग की फैमिली क्या हो जाएगी, कैनेडी, और कैट की फैमिली क्या हो जाएगी, फेलेडी। इनको किस ऑर्डर में रखा गया है, कार्निवोरा में। पसंद आया हो, समझ में आ रहा हो सारी चीज़ें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
क्योंकि ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही क्विक रिवीजन, इसी प्रकार से फायर रिवीजन हम अपने चैनल पर लगातार करवाते रहते हैं। आप बने रहिएगा, पूरी एनसीईआरटी आपको बिल्कुल रटवा के मानेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप लाने वाले। अगर आप 85 प्लस चाहते हैं नीट में, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल पर लगातार विजिट करते रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं क्लास के बारे में। तो बेटा, जब हम क्लास के बारे में बात करेंगे, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। अब हम बात करते हैं क्लास के बारे में। तो इसमें एग्रीगेशन किसका होगा? ऑर्डर का। द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स जो होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा, जो ऑर्डर प्राइमेटा है, प्राइमेटा में क्या रखा जाता है, ठीक है ना? प्राइमेटा में क्या होते हैं? मंकी, कंप्रेजिंग करते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, इज प्लेस्ड इन द क्लास मेमिलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। क्लास क्या है? मेमिलिया। दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग। इसमें कौन कौन से एनिमल हैं कार्निवोरा में? टाइगर, कैट, डॉग, ठीक है। तो फैमिली किसका एग्रीगेशन होता है? जीनस का। ऑर्डर किसका एग्रीगेशन होता है? फैमिली का। तो जो कैट और डॉग है, कैट और डॉग की बात करें और टाइगर की बात करें, तो ये सब क्या हो जाएगा? इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? कार्निवोरा हो जाएगा। और क्लास क्या हो जाएगा? प्राइमेटा हो जाएगा। प्राइमेटा में कौन कौन, क्लास क्या हो जाएगा अभी बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्राइमेटा हो जाएगा, मंकी, गोरिल्ला, गोरिम्बन, इन सभी का क्लास प्राइमेटा हो जाएगा। मेमोलिया अलोंग विद ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा ऑर्डर। दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखिए फाइलम की। तो फाइलम की बात करेंगे, तो देखिए फाइलम आप जानते ही हैं, हमारा सबका फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है। क्लास क्लास की अगर हम बात करें, तो क्लासेस कंपेरिजन एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियम, रेप्टाइल, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कार्ड फाइलम। अब इन सबको हम आगे नेक्स्ट कैटेगरी, हायर कैटेगरी की बात करें, तो क्या है? फाइलम। बेस्ड ऑन कॉमन करेक्टर, कौन कौन से कॉमन फीचर? नोटोकॉर्ड के बेस पर और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम के बेस पर। आर इंक्लूड इन द फाइलम कॉर्डेटा, इनको कॉर्डेटा में अंतर्गत रखा जाता है। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विथ ए फ्यू सिमिलर करेक्टर्स आर एजेंट टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो फाइलम, जैसे कि हम फाइलम बोलते हैं एनिमल के केस में, और हम डिवीजन बोलते हैं प्लांट के केस में। समझ में आया तो बताइएगा कि हाँ सर, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो बेटा आगे देखते हैं, आगे हम बात करें किंगडम के बारे में। तो देखिए किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर एजाइंड टू दी हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। सबसे हायर कैटेगरी क्या होती है? ब्रॉड लेवल की, वो कहलाती है किंगडम। एनिमलिया इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। द किंगडम प्लांटी, जैसे किंगडम क्या है? प्लांटी। और किंगडम क्या है? एनिमलिया। हम सब किस में आएंगे? एनिमलिया में आएंगे। ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्स द इनकम्प्रेजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। हैंस फॉर्थ वी विल रिफर टू दिस ग्रुप एज एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम। बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंग, स्पीसीज से लेकर के कहाँ तक? किंगडम तक। हैव बीन शोइंग असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है, फिगर में आप देख सकते हैं। दीज आर ब्रॉड कैटेगरी। तो किंगडम क्या होता है? किंगडम सबसे ब्रॉड कैटेगरी होता है। सबसे छोटे की कैटेगरी कौन सी होती है? स्पीसीज होती है। हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरी इन दिस हायरार्की टू फैसिलेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। तो कुछ साइंटिस्टों में क्या है, इनको सब कैटेगरी में भी बांटा है, जिससे कि हम उसको और अच्छा से क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। लुक एट द हायरार्की, फिगर में आप हायरार्की देख सकते हैं, ठीक है। जो हमने अभी बताया था स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद हमने बताया था
ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, क्लास, इस प्रकार से सारी आप देख सकते हैं। इस पर एक आप फार्मूला याद कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए पी सी ओ फंगस, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फिर बताएंगे क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, किंगडम क्या एनिमल या किंगडम या प्लांट किंगडम। तो स्पीसीज, स्पीसीज से आएंगे जीनस, फैमिली, फैमिली के बाद आप ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगा क्लास, और इसका आएगा फाइलम। समझ में आए और ट्रिक समझ में आई तो आप बताएंगा कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ट्रिक भी समझ में आ रही है और जो आप बता रहे हैं सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब देखिए, डिक्रीजिंग लोअर द टैक्सा मोर द करेक्टर्स दैट मेंबर मेंबर्स विद इन टैक्सन हेयर। तो जो क्या होगा, जो लोअर टैक्सा होगा उसमें क्या होंगे, कॉमन करेक्टर ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे हायर कैटेगरी में बढ़ते जाएंगे, ग्रेटर इन डिफ़िकल्ट ऑन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टैक्सा टू द सेम लेवल। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर किंगडम तक चलते चले जाएंगे, तो होता क्या है, जो करेक्टर कॉमन करेक्टर होते हैं वो घटते चले जाते हैं। स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कॉमन करेक्टर पाए जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर दिया गया है, ये फिगर बिल्कुल आपको याद करना है बहुत अच्छे से। एक बार इसको आप जब याद कर लेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ऐसे ही। इसको आप हमारे साथ याद करिएगा, अभी के अभी इसको कराते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम बताएंगे टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए ये दिया गया है, सीधा सीधा ये दिया गया है कि कौन से, किस का कौन सा फाइलम है और किसका कौन सा फाइलम है और किसका कौन सा जीनस है और किसकी कौन सी स्पीसीज है। देखो होमो की बात करते हैं तो होमो सैपियंस, होमो क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, सैपियंस क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। तो फैमिली क्या होती है, होमोनिडी फैमिली होती है। फैमिली के बाद बात करते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेटा होता है। ऑर्डर के बाद क्लास क्या होता है, मैमेलिया होता है, क्योंकि मैमेरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी, ठीक है। डॉग की क्लास भी क्या हो जाएगी, मैमेलिया हो जाएंगी। कैट भी क्लास क्या हो जाएगी, मैमेलिया हो जाएगी। और टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, इन सब की क्लास क्या हो जाएगी, मैमेलिया हो जाएगी, ठीक है ना। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन सभी का प्राइमेटा हो जाएगा। और फैमिली अलग अलग हो जाएंगी। डॉग की फैमिली क्या बताई थी हमने अभी, डॉग की फैमिली बताई थी आपसे, क्या बताई थी, डॉग की फैमिली बताई थी कैनेडी। और कैट की फैमिली क्या बताई थी, फैलेडी बताई थी। और ह्यूमन की फैमिली क्या है, होमोनिडी है, ठीक है। तो होमोनिडी देखिए जीनस, ठीक है ना। तो अगर मैमिलियन की बात करें तो मैमिलिया में क्या हो जाएंगे, ह्यूमन भी तो आ जाएंगे, और ये सारे जितने अभी बताए हैं कैट डॉग ये सभी भी आ जाएंगे मैमिलिया में, क्योंकि इसमें मैमरी ग्लैंड पाई जाएंगी। ऑर्डर प्राइमेटा में आ जाएंगे, ठीक है। और उनका ऑर्डर क्या बताया था, कार्निवोरा बताया था, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मस्टर्ड, मस्का डोमेस्टिका, मस्का। फैमिली क्या हो जाएगी, मुशेडी हो जाएगी। ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्टेरिया हो जाएगा। क्लास इंसेक्टा, और फैमिली आर्थ्रोपोडा। आपको मालूम हाउस फ्लाई किसके अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। हाउस फ्लाई किसके अंतर्गत है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत है। और क्लास क्या है, इंसेक्टा, क्योंकि हाउस फ्लाई क्या है, इंसेक्ट है, डिप्टेरा। मैंगो की बात करें तो फैमिली क्या हो जाएगी, मैंगो की एनाकार्डियेसी, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, और डाइकोटिलीडंस पाई जाती है। बस ऑर्डर आपको याद करना है, सेपेंडेल्स, ठीक है। ऑर्डर क्या है, सेपेंडेल्स। वीट की बात करें तो वीट क्या होता है, मोनोकोटिलीडंस होता है, एंजियोस्पर्म होता है, मोनोकोटिलीडंस होता है। ऑर्डर पोल्स हो जाएगा, फैमिली पोएसी हो जाएगी, ट्रिटिकम एसिटाइबम। दो चीज़ें याद करनी है, क्या, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स। मोनोकोटिलीडंस आप जानते हैं एंजियोस्पर्म है। यहाँ पे क्या है, मैंगो की
फैमिली क्या हो जाएगी, एनाकार्डियसी हो जाएगी, ऑर्डर क्या होगा, सेपेंडल्स होगा। दो चीज़ें यहाँ पे याद करनी, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट, बाकी सब आपको पता रहेगा। मैन की फैमिली क्या हो जाएगी, होमोनिडी आपको मालूम है, ऑर्डर क्या होता है प्राइमेटा आपको मालूम है, क्लास क्या होता है मैमलिया आपको मालूम ही है। यहाँ पे मुसैडी फैमिली आप याद ही करेंगे, ऑर्डर डिप्टेरा आपको याद ही हो जाएगा, इंसेक्टा पता ही हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा पता ही हो जाएगा। मैंगो का जो फैमिली होता है वो होता है एनाकार्डियसी और सेपेंडल्स, दो चीज़ें याद करने की हैं। यहाँ पे पोएसी और पोएल्स, बस दो ही तीन चीज़ें याद करने भी हैं। हाउसफ्लाई मुसैडी आप मस्का से याद कर लेंगे। इस प्रकार से अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो तो बताइए कि हाँ सर सारी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। वीडियो यहीं पे करना चाहते हैं समाप्त, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हाँ सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर विजिट करते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।